यूपी बुलंदशहर से तीन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। यहां एक ओर जहां एक ही रात में तीन तीन मंदिरों में चोरी की घटना हुई, वहीं मुखबिर की सूचना पर सरकारी राशन की बड़ी कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। इसके अलावा प्रतिबंध के बावजूद लाई जा रही बारूद और आतिशबाजी की बड़ी खेप मिलने की घटना ने सनसनी फैला दी है। बुलंदशहर कोतवाली के वलीपुरा गाँव में एक ही रात में तीन मंदिरों में चोरी से हड़कंप मच गया। ये चोरियाँ शिव मंदिर, चावड़ मंदिर और हनुमान मंदिर में हुई है। मंदिर में रखे हनुमान के वस्त्र और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। गांव वालों का आरोप है कि लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात में सरकारी राशन की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ है। खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद में मुखबिर की सूचना पर खाद्य आपूर्ति निरीक्षक प्रीति सिंह ने छापा मारा। इस दौरान पाया गया कि बुलेरो पिकअप में 50-50 कट्टों में लादकर चावल ले जाया जा रहा है। SMI सुधीर कुमार ने बताया कि पकड़ा गया चावल सरकारी राशन है। फिलहाल टीम द्वारा चावल का नमूना लिया गया है। बता दें कि बीते दिनों DM ने लोगों से राशन की कालाबाजारी के खेल पर नकेल कसने की अपील की थी, जिसके बाद मुखबिर ने ये सूचना प्रशासनिक अधिकारी को दी। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव से पहले बुलंदशहर में बारूद और आतिशबाजी की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ASP अनुकृति शर्मा ने दो स्थानों पर छापा मारकर प्लास्टिक के 27 कट्टे और 34 कार्टून पटाखे और बम बरामद किए हैं। अवैध आतिशबाजी सामग्री के दो सौदागरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरामद सामग्री की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सूत्रों से पता चला है कि निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए ये सामग्री स्टोर की जा रही थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।